चलो गोरी अच्छा प्यार करती हूँ फिर खाना शुरू करेगा ये। चल अब मेरे प्यार कर लिया ना, चलो अब खाओ खाओ बेटा, चल गोरी शुरू कर, भूख लगाओ, चलो खाओ खा लो। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आशी छाया पर। और यहाँ पर निकल गई है बहुत तेज धूप, ये देखिए धूप बहुत तेज है यहाँ पर। इस टाइम बज रहे हैं 12, गोरी कर रहा है ब्रेकफास्ट और किट्टू करवा रही है मसाज, मसाज करवा रही है दीदी से, है किट्टू। अब दीदी चली गई है यहाँ से दूर, ये देखिए, और टेरिस पर है किट्टू और गौरी। क्यों किट्टू, किट्टू ने नाश्ता कर लिया है, किट्टू आ गई है टेरिस पर। मैं सोच रही किट्टू को ना ये जो चोट लगी है ना, इसके ना चोट के ऊपर ना मैं सोच रही घी लगाऊंगी, तो घी लगाने से ना इसका जो निशान है ना ठीक हो जाएगा ये घी लगाने से। और बिल्कुल भी व्यूज नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल ग्राफ जो है गिर गया है मेरा यूट्यूब का। और पैसे मिलने तो बहुत दूर की बात है, कुछ भी नहीं होने वाला मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं तो करती जा रही हूँ मेहनत, 2 साल हो गए हैं, अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अब बाहर जाया करूँगी। मौसम भी चेंज हो गया, काफ़ी फर्क लग रहा है, आज मौसम में ठंड नहीं है इतनी ज़्यादा, दिन के टाइम अब मौसम बदल जाएगा, तो मैं बाहर जाऊँगी और मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ रात की भी। लेकिन रात को क्या होता है, जब हम लोग खाना देने जाते हैं, फूड देने जाते हैं ना, सब बच्चों को तो अंधेरा होता है वहाँ पर, तो जहाँ भी हम लोग जाते हैं सड़क पे, आपको मैं वीडियो दिखाती तो आप लोग देखते नहीं हो वीडियो, वहाँ पर बहुत अंधेरा भी होता है, और शायद मेरे वीडियो अच्छे नहीं बन रहे हैं इसीलिए व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, अगर आपको अच्छे अच्छे वीडियो, अच्छे और सच्चे वीडियो देखने हैं, व्लॉग देखने हैं, शॉर्ट्स देखने हैं, तो आप लोग प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से जो भी मैं आपके लिए डालूंगी, वीडियो अपलोड करूंगी, वो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा, तो इसीलिए मैं आपसे कहती हूं कि आप लोग सब्सक्राइब किया कीजिए, लाइक किया कीजिए। एक लाइक मिलने से हमको मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेशन से ये होता है कि हाँ हमें और अच्छे से अच्छी वीडियो बना करके आपको देनी है। और जो मेरा ये चैनल है इसके अंदर सब मिक्स कॉन्टेंट आते हैं, जो भी कुछ मैं दिन रात करती हूँ वो सब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और मेरे को ये लगता है कि भी शायद आपको ये नाम अच्छा नहीं लग रहा, जैसे मैंने जो नाम रखा है उस टाइम मैंने बहुत जल्दबाजी में रख दिया, तो इसीलिए हो सकता है इस नाम की वजह से भी आपको काफ़ी कंफ्यूजन होता होगा। आशी छाया जिस तरह से मैंने नाम रखा हुआ, आशी छाया स्ट्रे डॉग, तो सिर्फ इसमें आपको स्ट्रे डॉग देखने के लिए नहीं मिलेंगे, इसमें जो भी कुछ डेली रूटीन है वो भी मैं करना चाहती हूँ, ब्लॉग शुरू करना चाहती हूँ। और अगर आप लोग देखेंगे तो नाम मैं चेंज कर नहीं सकती, मुझे इतना कुछ आता नहीं है मोबाइल पे करना, तो मैं मोबाइल से ही बनाती हूँ वीडियो और मोबाइल से ही अपलोड कर देती हूँ अपने आप ही वीडियो बना करके, तो मैं इतना ज़्यादा उसमें छेड़खानी नहीं कर सकती हूँ, मुझे इतना नॉलेज नहीं है इतना। तो जैसे कम्युनिटी वगैरह का भी होता है, कम्युनिटी पोस्ट वगैरह डालनी, तो वो सब भी मुझे नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती रहती हूँ कि वीडियो अच्छे से अच्छे आपको दूँ। तो ये गौरी ने अपना लंच ख़त्म कर दिया ब्रेकफास्ट, और ये गौरी यहाँ पर बैठ गया है धूप में, ये मैंने इसके लिए गत्ता रखा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि फर्श तो ठंडा ही है, तो इसीलिए यहाँ पर इसको अच्छा लगता है गोरी को, तो ये यहाँ पर बैठ जाता है। किट्टू आपकी गोरी, किट्टू आजा मम्मा पास, आजा कुछ नहीं कहेगा गोरी, आजा। तो ये गोरी है, देखो कैसे कह रहा है प्यार कर मेरे को, ये इस तरह से करता है, आपने काफी बार देखा होगा मेरे वीडियो में, ये हमेशा हेलो करता है ना गोरी, देखो मुंह पे दूध लगा हुआ है, गोरी दूध लगा हुआ है। अब मैं भी जाके नाश्ता कर लूं, मुझे भी तो भूखी लगी है ना, मैं भी नाश्ता कर लूं। कल मैंने मटर पनीर की सब्जी बनाई थी, वो भी मैंने वीडियो डाला, वो भी आपने नहीं देखा, तो वो भी मैं काफ़ी सारे वीडियो में अपने डिलीट कर देती हूँ, बहुत सारे वीडियो डालती हूँ डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि उस पर व्यूज़ नहीं आते तो मैं डिलीट कर देती हूँ। और कोई भी वीडियो मैं स्टोर नहीं करती हूँ, तो बिल्कुल भी वीडियो मैं स्टोर नहीं करती, सब मैंने डिलीट कर दी। कम से कम 1500 वीडियो थे मेरे उसमें स्टोर, और वो काफ़ी हैंग हो गया था फ़ोन भी, वो अपलोड लेने से मना कर रहा था फोन, और इसीलिए मैंने वो सारा कुछ डिलीट कर दिया, क्योंकि आप लोग देख नहीं रहे थे इसलिए मैंने डिलीट कर दिया था। तो अब मैं कोशिश करूंगी कि बिल्कुल आपको फ्रेश वीडियो हमेशा आपके पास आएंगे, और जो भी कुछ मैं डेली रूटीन में करती हूँ वो सब मैं आपको हमेशा शेयर करूंगी। और वॉशिंग मशीन मेरी अभी तक ठीक हुई नहीं है, और सैमसंग वाले में वहाँ पे कंपनी में मैंने फ़ोन किया था, तो वो लोग कल आएंगे,
पार्ट्स लेकर के उसका कोई गियर है मशीन के अंदर, जो गियर होता है जो सर्कल होता है वहां पर ना वो हो गया है, खराब हो गया उसका, वो टूट गया है गियर वाला पार्ट, तो वो लेकर के आएंगे तो फिर उसी हिसाब से वो लोग अपना पैसा लेंगे। कम से कम 1100-1100 रुपये तो लगेंगे लगेंगे मशीन को ठीक कराने में, क्योंकि उनके सर्विस चार्जेस हैं 472 रुपये उन्होंने बोले उनका सर्विस आने का चार्ज है, तो 472 रुपये तो वो हो गए 500-600 रुपये का आपका वो पार्ट्स आ जाएगा, तो 1100 के करीब मेरे लग जाएंगे मशीन को ठीक कराने में। तो जो भी है मैं ब्रांड का ही लिया है, ब्रांडेड मशीन है तो नेचुरली ब्रांड से ही बंदे को बुला करके ठीक करवाऊंगी, वही ठीक रहता है हमेशा, ओरिजिनल काम करना चाहिए। तो इसीलिए बने रहिए हमेशा मेरे साथ और अच्छी सी धूप का मजा लीजिए और अपने अच्छे अच्छे काम करते रहिए, मेरे व्लॉग देखते रहिए, और एक टाइम फिक्स कर लेंगे अगर आप लोग कहेंगे तो मैं उसी टाइम पे वीडियो अपलोड किया करूंगी। थैंक यू सो मच।